बिग बॉस 14 के घर में राखी सावंत लोगों को हंसा भी रही हैं और जमकर उनको एंटरटेन भी कर रही हैं। लेकिन इसी के साथ राखी अपने लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे किस्से भी सुना रही हैं जिन्हें जानकर उनके फैंस बेहद हैरान होने के साथ साथ अब राखी के लिए सिंपैथी भी फील कर रहे हैं। दरअसल राखी ने बिग बॉस 14 के पिछले एपिसोड में राहुल वैद्य से बात करते हुए ये खुलासा किया कि वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती थी जहां महिलाओं को छोटे मोटे शौक पूरे करने की बिल्कुल आजादी नहीं थी और इसका विरोध करने पर उन्हें सजा दी जाती थी। राखी ने बताया, हमें बालकनी में खड़े होने की इजाजत नहीं थी, घर की महिलाएं आईब्रो नहीं बनवा सकती थी, हमें किसी तरह की वैक्सिंग या कुछ और करने की इजाजत नहीं थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वो किस तरह के आदमी थे। राखी ने यह भी बताया कि एक बार उनके मामा ने तो उन्हें इस कदर पीटा था कि उनके कई टांके आए थे। इतना ही नहीं, इस दौरान राखी ने यह भी बताया कि बॉलीवुड डांसर बनने के बाद लोग उन्हें कैरेक्टरलेस समझने लगे थे और ये बताते हुए राखी बेहद इमोशनल हो गए। राहुल वैद्य से बात करते हुए राखी ने कहा, मुझे शादी के कई प्रपोजल आए लेकिन वो ये जानने के बाद वापस लौट गए कि मैं बॉलीवुड डांसर हूँ। लोग बॉलीवुड डांसर्स को कैरेक्टरलेस समझते थे। क्या बॉलीवुड का हिस्सा होना गलत है या फिर डांसर होना गलत है? वैसे आपको बता दें कि हाल ही में सोनाली फोगाट और अर्शी खान के साथ बातचीत में राहुल महाजन ने हाल ही में राखी के बारे में शो में बात की थी। उन्होंने कहा था, फादर ने उसको बचपन में मारा होगा, पीटा होगा, बचपन में डांस करने के लिए उसे बहुत मारते थे। उसके पास दौलत और शोहरत है लेकिन अपने लोग नहीं है। राहुल ने ये भी कहा था कि असली राखी और दुनिया को दिखाई देने वाली राखी में काफी क्लैश है। जाहिर है कि लोगों को हंसाने वाली और एंटरटेन करने वाली राखी कोई और है और पर्दे के पीछे वाली राखी कोई और है। और रियल लाइफ राखी ने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे मुश्किल हालातों का सामना किया है जिसके बारे में राखी जब भी याद करती हैं तो वो बेहद इमोशनल हो जाती हैं। मगर फिर भी इतने दुख और परेशानियां झेलने के बाद भी राखी लोगों को दिल से एंटरटेन करती हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।